नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे वीडियो जो है ये बीएड फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का है, Course-3 है, टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें है जो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक कौन से हैं जो लर्निंग को लर्निंग पे प्रभाव डालते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से, नियंत्रण के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो इनमें से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं या आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और कुछ जो होते हैं हानिकारक होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी इससे पूछे बोले क्वेश्चन कि क्या कंट्रोल, किस फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो यही होगा, उसमें निगेटिव कर दिया जाएगा और बोलेगा कि क्या चीज़ को लर्निंग को प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस के लिए क्या करना होगा, तो ये फैक्टर है। देखिए, लर्निंग, पहले लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग जो है व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। और लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड वीडियो डाला जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस अनेक फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, इन विभिन्न फैक्टर्स में इंट्रैक्शन होती है और इन इंट्रैक्शन का प्रभाव लर्निंग प्रोसेस पर पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं और ये इन फैक्टर्स में इंट्रैक्शन, अंतःक्रिया होती है और उसके बाद ये एक्शन लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव डालते हैं। इनमें से कई कारक इस लर्निंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं तथा कई फैक्टर इसे प्रोसेस को धीमी कर देते हैं। जो फैक्टर लर्निंग प्रोसेस को तेज करते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं, ऐसे फैक्टर को प्रोत्साहन, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाता है, कि यानी कि उसको बार बार किया जाता है। इस प्रकार के लर्निंग को धीमा और अप्रभावी बनाने वाले फैक्टर्स को कंट्रोल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रोत्साहित करना। इन सभी कारकों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, यानी कि लर्निंग को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उसे तीन ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट होता है लर्नर रिलेटेड, दूसरा होता है टास्क रिलेटेड और थर्ड होता है मेथड रिलेटेड। चलिए हम देखते हैं। देखिए, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर और इंडिविजुअल फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर सीखने वाले के संबंध के सीखने से संबंध, सीखने वाले के संबंधित फैक्टर्स प्रकारक या व्यक्तिक कारक, टास्क फैक्टर यानी कार्य संबंधी कारक, और मेथड फैक्टर विधि, जो टीचिंग मेथड होता है उसके संबंधित, लर्निंग मेथड जो होता है उससे संबंधित। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े फैक्टर्स को इंडिविजुअल फैक्टर्स कहते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित कारक आते हैं। इसमें आ जाएगा कि उनका स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद उनको अच्छे से फूड मिलना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, सेलेक्टेड 10 है। मैच्यूरेशन यानी कि परिपक्वता, बच्चों में परिपक्वता होनी चाहिए तभी बच्चे सीख पाएंगे। अगर किसी बच्चे का परिपक्व नहीं, अगर वो बच्चा परिपक्व नहीं हुआ हो और ज़बरदस्ती उसको सिखाया जाए तो वो नहीं सीख सकता है। मोटिवेशन यानी प्रेरित करना, अगर कोई बच्चा निराश है और कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर आप उसे मोटिवेट करके उसके प्रति जागरूक करेंगे, रुचि पैदा करेंगे, तब वो सीख पाएगा। अटेंशन एंड इंटरेस्ट यानी कि अटेंशन, ध्यान और रुचि होना चाहिए। आगे हम लोग डील करेंगे इसका, ठीक है। अभी देख लीजिए, मेमोरी, स्मृति, रेडीनेस एंड कैपेसिटीज यानी तत्परता एंड क्षमता, विल पावर इच्छा शक्ति, फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीज यानी हैंडीकैप जो होता है, फैटिग्यू, मेंटल हेल्थ एंड फूड एंड मेडिसिन। मैच्यूरेशन ये इंडिविजुअल रिलेटेड है। सीखना और मैच्यूरेशन में गहरा संबंध होता है, यानी लर्निंग एंड मैच्यूरेशन में, लर्निंग मैच्यूरेशन पर ही आधारित होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए मैच्योर है तभी सीख पाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आप कोई मैच्योर नहीं है, अगर आप उसे ज़बरदस्ती वो कार्य, मतलब मान लीजिए कि कोई एक साल का बच्चा है और उसे आप ज़बरदस्ती उसे पढ़ाना चाहेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है उसके प्रति, अन्यथा नहीं, यानी कि सीखना कठिन होगा। क्लासेज में बच्चों को इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड कैपेसिटीज आदि में मैच्यूरेशन ग्रहण करना सिखाया जाता है।
यानी कि बच्चों की बुद्धि क्षमता और योग्यता, योग्यता और क्षमता आदि में मैचुरेशन यानी परिपक्वता ग्रहण सिखाई जाती है। चाइल्ड्स को सिखाई जाने वाली क्रियाएं उनके आयु स्तर के होने चाहिए, यानी कि जो क्रिया सिखाई जा रही है उनके आयु स्तर के होने चाहिए, उनके एज लेवल के अनुसार होने चाहिए, उनमें परिपक्वता आ पाएगी, तभी उनमें परिपक्वता आ पाएगी। मेंटल मैचुरेशन के साथ साथ फिजिकल मैचुरेशन यानी मानसिक परिपक्वता के साथ साथ शारीरिक परिपक्वता का होना भी अति आवश्यक है। छोटी कक्षाओं में बच्चों को फिजिकली ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो इस योग्य हो जाए कि वो कलम पुस्तक कॉपी आदि को पकड़ सके। बड़ी कक्षाओं विद्यार्थियों को इंटेलिजेंस यानी बुद्धि एबिलिटी एंड कैपेसिटी क्षमता आदि की आदि को ध्यान में रखकर पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा जब तक आप किसी कार्य के प्रति मैच्योर नहीं होंगे, अगर आपको उसमें रुचि जागृत नहीं होगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके मोटिवेशन प्रेरणा यानी कि लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का मुख्य योगदान है। स्टूडेंट्स को किसी कार्य के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है तो वह सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेता। मोटिवेशन स्टूडेंट को सक्सेस की ओर ले जाता है। मोटिवेशन के फलस्वरूप बच्चे के आकांक्षा स्तर में वृद्धि होती है। मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है, प्राकृतिक और नेचुरल, या किसी भी रूप में प्रदान किया जा सकता है, जैसे रिवार्ड, प्रशंसा, प्रोत्साहन, दंड आदि के रूप में। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लर्निंग थ्योरी, ट्रायल एंड ईरर्स का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का और पैवलॉव का जो है, तो उसमें भी मोटिवेशन को महत्व दिया गया है। ओके, तो अगर किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना है, उसे सफलता के मतलब कोई आपको सिखा रहे हैं उसमें सफलता दिलाना, तो आपको उसको प्रोत्साहित करना होगा, सही काम पे उसको प्रोत्साहित करना होगा और गलत काम करे तो उसे दंड देना होगा। ओके, देख लीजिए। देखिए, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, लर्निंग को एक्टिव बनाने में अटेंशन एंड इंटरेस्ट फैक्टर्स का होना अति आवश्यक है। ये लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। अटेंशन एंड इंटरेस्ट के अभाव में लर्निंग प्रभावहीन एवं निर्जीव सा होकर रह जाता है। यानी कि जब आपको कोई किसी कार्य के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और अटेंशन ध्यान ही नहीं रहेगा तो आप उसे सीख कैसे पाएंगे। इसलिए अगर किसी भी सिलेबस को पाठ्यक्रम को बोला जाता है कि अगर कोई पाठ्यक्रम बनाना हो तो बच्चों के लेवल के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसमें जो रुचि जो है उसके रुचि बच्चों की रुचि के अनुसार उसमें पाठ्य सामग्री सम्मिलित करना चाहिए। ओके, मेमोरी, मेमोरी का लर्निंग में केंद्रीय भूमिका रहती है। तीव्र स्मृति वाले चाइल्ड हमेशा आगे रहता है जबकि कम स्मृति वाला चाइल्ड लर्निंग में पिछड़ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के टीचिंग के लिए मेमोरी लेवल आवश्यक है, यानी कि तीन लेवल जो होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, यानी कि चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो पहले मेमोरी स्तर होता है, स्मृति स्तर, उसके बाद बोध, उसके बाद चिंतन। ओके, रेडीनेस एंड कैपेसिटीज, किसी कार्य को सीखने के लिए तत्परता एवं क्षमताओं का होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में लर्निंग प्रोसेस स्थिर होगी। यानी कि जब आप किसी कार्य के प्रति तत्पर ही नहीं रहेंगे, अगर आप में उसकी कर उसको कार्य को करने की क्षमता ही नहीं रहेगा तो आप उसे कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप अनसक्सेस होंगे। इसी लगे और सीखने वाले को वह कार्य अरुचिकर लगेगा, और जब आप उस काम को कर नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा उस कार्य को अरुचिकर मतलब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। रेडीनेस एंड कैपेसिटी मानसिक एंड शारीरिक हो सकती है। बिना मेंटल एंड फिजिकल तैयारी के कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने में असमर्थ होगा। व्यक्ति में रेडीनेस एंड कैपेसिटीज में डिफरेंस का कारण इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, बच्चे की रुचि में डिफरेंस होगा, उसके लर्निंग सीखने की क्षमता में डिफरेंस होगा, हर चीज़ में डिफरेंस होगा, शारीरिक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, सामाजिक होगा, सांस्कृतिक होगा, ये सब जो होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। जुड़ यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा भी, जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस का शिकार होते हैं। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होता है। विल पावर, लर्निंग अर्जित करना व्यक्ति के इच्छा पर भी निर्भर करता है। यदि कोई स्टूडेंट किसी कार्य को सीखना ही ना चाहे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इस प्रकार यदि टीचर नॉलेज एंड एक्टिविटी यानी ज्ञान और क्रियाशीलता को सीखना ही नहीं चाहता, क्रिया को सिखाना ही नहीं चाहता, तो स्टूडेंट कैसे सीखेंगे। दोनों ही स्थिति में पहला कार्य अध्यापक का है कि वो स्वयं
में स्टूडेंट्स को ज्ञान देने की संकल्प शक्ति का निर्माण करें और स्टूडेंट्स में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करें तथा मोटिवेट करें। यानी कि इसके कहने का मतलब हुआ कि जब तक टीचर टीचर ही नहीं, टीचर के पास ही ये विल पावर नहीं होगी कि हम कैसे बच्चे को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, उसमें इच्छा ही जागृत नहीं होगी तो फिर बच्चे कैसे सीख पाएंगे। फिजिकल डिफेक्ट एंड डिजीज, यानी कि कई बार स्टूडेंट्स में विद्यमान शारीरिक दोष तथा रोग जैसे दृष्टि दोष, मांसपेशियों का निष्क्रिय होना, क्षय रोग आदि स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस पर कुप्रभाव डालते हैं और ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का ही कारण है। फैटिग यानी कि थकान, थकान एक ऐसा कारक है जिसका कुप्रभाव जीवन की हर क्रिया पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। लर्निंग प्रोसेस के दौरान थका हुआ विद्यार्थी कभी कुछ भी नहीं सीख पाता। उस फैटिग यानी थकान के परिणाम स्वरूप उसमें इंटरेस्ट, अटेंशन, मोटिवेशन एंड रेडीनेस यानी तत्परता आदि प्रभावहीन हो जाता है। वो थका रहता है तो थके में तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। मेंटल हेल्थ, मेंटली हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति निराशाओं, कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, चिंताओं, तनाव आदि से मुक्त रहते हैं। यदि विद्यार्थी भी इनसे मुक्त रहें तो वे मेंटली नहीं तो मेंटली अनहेल्दी व्यक्ति लर्निंग प्रोसेस में पीछे रहेगा। यानी कि जब उसका मानसिक संतुलन ही अच्छा नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो फिर पढ़ कैसे पाएगा, सीख कैसे पाएगा। फूड एंड मेडिसिन, स्टूडेंट्स का अनबैलेंस्ड फूड और मादक पदार्थ यानी स्मोक एंड लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित, यानी कि जो बच्चे स्मोक के शिकार हो जाते हैं, जो स्मोक लेते हैं या वो क्या होता है मादक पदार्थ लेंगे तो उनकी जो तत्परता होगी पढ़ाई में, टेंशन होगा, इंटरेस्ट होगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा तो वो कैसे कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है टास्क वर्क फैक्टर यानी कार्य संबंधी फैक्टर। कार्य फैक्टर वो हुआ जो हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में कोई ऐसी यूनिट जिसके द्वारा हम लोग अपनी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ओके, तो यही होता है टास्क। वह कार्य जिसे सीखा जाता है उसकी प्रकृति तथा उससे जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों का सीखने की प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई कारक होते हैं जो सीखे हुए कार्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, जो निम्न है। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ टास्क, इसका मतलब हुआ कार्य का कठिनाई स्तर। यानी कि कार्य का कठिनाई स्तर बच्चों के एज के अनुसार करना चाहिए कठिनाई स्तर। ये नहीं कि उससे बच्चा का लेवल क्या है और उसे दूसरा टास्क हम दे दें। सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क, यानी कि कार्य जो होगा समानता होने, कार्य की समानता यानी कार्य में समानता होना चाहिए। मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, यानी कि कार्य का अर्थपूर्ण होना, कार्य का अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी कि उसमें अर्थ कुछ निकलना चाहिए, नहीं कि बिना अर्थ का हो। प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस ऑफ द टास्क, यानी कि कार्य को रोचक और अरोचक, यानी कि कार्य रोचक होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द टास्क, यानी कि कार्य की लंबाई, कार्य की लंबाई ये नहीं कि कार्य की लंबाई इतना ना दे दे बच्चे को कि इतना ना लंबा हो जाए कि बच्चा उब जाए और वो कार्य छोड़ दे। तो देखिए डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क, लर्निंग प्रोसेस की प्रभावशीलता सीखे जाने वाले कार्य के कठिनाई स्तर पर भी निर्भर करती है। निम्न कठिनाई स्तर वाले कार्य शीघ्र तथा आसानी से सीखे जाते हैं, जबकि उच्च कठिनाई स्तर वाले टास्क को प्रयास करके सीखा जाता है। देखिए जैसे इसका कठिन लेवल हो जाएगा, अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो उसके स्तर को जल्दी नहीं सीख पाया जाएगा और आसान रहेगा तो उसे जल्दी सीख पाया जाएगा। और जिस कार्य का कठिनाई स्तर कम होगा तो उस कार्य को जल्दी बच्चे सीख लेंगे तो उसमें भविष्य के लिए मोटिवेट होंगे। और जैसे किसी कार्य को जल्दी सीखने के परिणाम स्वरूप बच्चे भविष्य के लिए मोटिवेट होते हैं, जबकि कोई कार्य जिसका लेवल हाई होता है उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो निरुत्साहित हो जाते हैं, जिसके परिणाम से उनमें हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं और वो उस कार्य को करना नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। ओके, तो कठिनाई स्तर ऐसा होना चाहिए उनके एज के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार होना चाहिए, जो उनके लक्ष्यों की पूर्ति करे, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ओके, उसके बाद आगे सिमिलरिटी ऑफ द टास्क, देखिए हैंडराइटिंग तो अच्छा नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पढ़ा आप लोग अच्छे से पढ़ सकें।
क्योंकि हैंडराइटिंग जल्दी जल्दी में लिखा गया, वैसे भी हैंडराइटिंग तो अच्छा है ही नहीं। सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क, विभिन्न कार्यों की समानता भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में अपना योगदान करती है। जिन कार्यों में समानता के अंश होते हैं वो ट्रांसफ़र होती है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के सिद्धांत, यानी कि ट्रांसफरेबल जो होता है, स्थानांतरण, सीखने के स्थानांतरण सिद्धांत जो होता है वो कार्य करते हैं, जिससे समान कार्यों को करने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे लर्निंग स्थायी होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कार्य जो होते हैं समान होना चाहिए। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि उस पाठ्य पुस्तक में जो शब्द होते हैं, शब्दावली होते हैं, उसमें 60 से 70% जो होता है सेम होता है, पिछले क्लास से ही लिया रहता है या पिछले चैप्टर से ही लिया रहता है, और 20 से 30% जो होता है न्यू होता है। ऐसा पाठ्य पुस्तक बनाते टाइम ऐसा इसका मापदंड होता है। मीनिंग ऑफ द टास्क, अर्थपूर्ण कार्यों को सीखने में स्टूडेंट अपनी अटेंशन इंटरेस्ट का प्रदर्शन करता है। अर्थहीन कार्य करने और सीखने में न तो ध्यान ही केंद्रित हो पाता है और ना ही रुचि उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कार्य का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। इससे लर्निंग भी प्रभावशाली होता है, यानी कि लर्निंग जो है अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी बच्चों के वास्तविक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकले, तभी वो बच्चे सीख पाते हैं। प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस, रोचक या अरोचक, यानी कि बच्चे जिस काम में रुचि लेते हैं, जिस कार्य को रुचि के साथ करते हैं, वही कार्य वो करना चाहते हैं। तो टास्क जो होना चाहिए रुचिपूर्ण होने चाहिए, ये नहीं कि अरुचिपूर्ण होना चाहिए। अरुचिकार जो होता है हमेशा बच्चों को याद रहता है, और अरुचिपूर्ण कार्य जो होता है वो फॉरगेट हो जाता है, वो भूल जाते हैं। इसलिए टास्क का जो है रुचि और रुचिपूर्ण होना चाहिए, अरुचिपूर्ण नहीं होना चाहिए। लास्ट है कार्य की लंबाई, यानी कार्य की लंबाई, अधिगम की प्रभावशीलता कार्य की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर कोई कार्य जो है लंबा हो तो बच्चे घबरा जाते हैं और उस कार्य को करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कार्य की लंबाई जो है शॉर्ट होनी चाहिए और बच्चों के एज के अनुसार होनी चाहिए। इसमें कम समय लगता है और बच्चे अच्छे से धैर्यपूर्वक कर लेते हैं, नहीं तो लंबे कार्य में जो है वो धैर्य खो देते हैं। तो वो था कार्य संबंधी फैक्टर, ये है मेथड फैक्टर्स यानी विधि। विधि संबंधी कारकों में वे सभी लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स आए हैं जिनका प्रभाव लर्निंग पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। किसी एक ही मेथड का प्रयोग करते हुए संपूर्ण लर्निंग प्रोसेस को हमेशा प्रभावशाली ढंग से नहीं चलाया जा सकता। इस लेवल के अकॉर्डिंग भी मेथड के भिन्नता लाना आवश्यक होता है। लर्निंग की कुछ मेथड ऐसी हैं जो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती हैं, यानी कि सभी विषयों को एक ही लर्निंग मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता है, या सभी बच्चों को एक ही लर्निंग मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण बच्चों में किसी कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है तो कोई बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता है, और कोई बच्चा जल्दी किसी लेसन को कैप्चर कर लेता है तो कोई बच्चा नहीं कर पाता है। तो सबके लिए अलग अलग मेथड होना चाहिए और सबके लेवल के अनुसार होना चाहिए, नहीं कि सारे बच्चे 1 से लेकर 3 तक एक ही मेथड के अनुसार पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे खोज विधि जो होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और बड़ों के लिए भी, लेकिन प्रोजेक्ट विधि जो है वो सिर्फ उच्च क्लास वालों के लिए अच्छा होता है। और मेथड जो अच्छा जो होता है वो होता है जो छात्र केंद्रित हो, ये नहीं कि टीचर केंद्रित हो। तो इसमें मेथड है प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इंसाइट, यानी कि सूझबूझ द्वारा सीखना, करके सीखना, प्रैक्टिस यानी अभ्यास द्वारा सीखना, लर्निंग मेथड यानी सीखने की विधि कैसी होनी चाहिए, रेसिटेशन यानी सुनाना यानी सुनना बच्चों से, टाइमली टेस्टिंग यानी टाइमली टेस्टिंग लेना, जैसे मैं हमेशा बच्चों को क्लास लेके इवेलुएशन यानी मैथ मूल्यांकन करना कि बच्चे किस हद तक, किस सीमा तक उपलब्धि प्राप्त किए, किस लक्ष्य को पूर्ति किए या नहीं, बच्चे का कहाँ प्रॉब्लम है, यानी कि डायग्नोस्टिक मेथड द्वारा उसका पता लगाना, तो ये हो जाएगा टाइमली, इसलिए टाइमली टेस्टिंग लेना आवश्यक होता है। होल एंड पार्ट मेथड यानी पूर्ण और अंश विधि, यानी पूर्ण और अंश विधि में होता है पूर्ण पूरी अच्छी तरह से पढ़ना, और अंश विधि जो कम शॉर्ट टाइप सारांश टाइप में चून करके पढ़ लिया जाता है। गाइडेंस एंड क्लूज यानी कि परामर्श, मार्गदर्शन और संकेत, बच्चे को हमेशा मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। जैसे मैं
मिडिल स्तर के बाद जो होता है, माध्यमिक स्तर के बाद बच्चों को तो ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है कि वो कौन सा अपने रुचि के अनुसार उनको प्रेरित किया जाता है कि वो किस कैप क्या उनके पास एबिलिटी है, किस कोर्स को एबिलिटी धारण करने पढ़ने की योग्यता है, तो ये बताया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा गाइडेंस करने पर वो आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहना चाहिए। टाइम टेबल, टाइम टेबल बच्चों के अनुसार होना चाहिए। टाइम टेबल के लिए बच्चे नहीं हैं, बच्चे जो हैं, बच्चे का टाइम टेबल होता है, बच्चे के अनुसार होना चाहिए टाइम टेबल। टाइम टेबल जो होनी चाहिए, समय सारणी जो होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। और टाइम टेबल में सबसे पहले कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल को बनाना चाहिए, और फर्स्ट में कठिनाई वाले जो विषय हैं उसे रखना चाहिए। टाइम ऑफ लर्निंग यानी सीखने का समय, सीखने का समय जो होता है सुबह और संध्या का समय अच्छा होता है, क्योंकि दिन के समय कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। ओके, तो टाइम ऑफ लर्निंग सीखने का समय। नॉलेज ऑफ रिजल्ट यानी कि क्या परिणाम का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान होना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ा तो उसे क्या उसको परिणाम मिला, किसी को देखकर बच्चा प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है कि उसे क्या परिणाम मिले, और उसके द्वारा टीचर भी जो होता है वो भी उसको पता चलता है कि बच्चे को कितना उपलब्धि हुआ, कितना नॉलेज हुआ। अगर नॉलेज नहीं हुआ तो टीचिंग मेथड में जो टीचिंग मेथड में गड़बड़ी है उसको सुधारना पड़ेगा, या जो टीचिंग सामग्री है उसमें सुधार करना होगा। तो बच्चे के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को जो नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है वो कितना सही है और क्या गलत है। तो ये था आप लोगों का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग यानी सीखने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के द्वारा कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।